हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिशियन अमित अमन। आइए दोस्तों, मैं आज आपको एक अजीबोगरीब चीज़ से संपर्क कराता हूँ, मिलवाता हूँ, जो कि आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे सीलिंग फैन में, लेकिन हमने किए हैं और इसका रनिंग भी आपको दिखलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग को हमने दोस्तों 36 नंबर कॉपर वायर से भरे हैं। ये 36 नंबर कॉपर वायर है स्टार्टिंग में, और 36 नंबर से हमने 365 टर्न दिए हुए हैं हर एक में। और दोस्तों आइए, रनिंग को हमने दोस्तों किए हैं कुछ अजीबोगरीब, जो कि शायद आप लोग कभी नहीं किए होंगे, लेकिन हम आज करके दिखा रहे हैं आपको। मतलब पंखा कैसा चलता है, नहीं चलता है, ये देखिए दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसमें दोस्तों हमने अलमुनियम 35 नंबर से डाले हुए हैं और 390 टर्न दिए हुए हैं। ये अलमुनियम है, देख लीजिए, वाइट है। अलमुनियम से हमने रनिंग भरे हैं और कॉपर से हमने स्टार्टिंग भरे हैं। देखिए ये रनिंग है, रनिंग को हमने अलमुनियम से भरे हैं और कॉपर से हमने स्टार्टिंग भरे हैं। तो दोस्तों अब देखना है कि ये पंखा कितना चलता है और कितना टिकाऊ बेस है, क्योंकि आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में डिफरेंस किए हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कॉपर डाल दिए हैं और रनिंग में हमने अलमुनियम डाल दिए हैं। अब हमको इसको चला के दिखाना है, इसमें लूप लगाते हैं और देखिए आप, अब इसको हम इसमें लूप वगैरह डाल करके और आपको दिखाते हैं कि कैसा चलता है। तो दोस्तों इसमें अब हम लूपिंग निकाल करके रेडी कर चुके हैं, और दोस्तों इसमें हमने एक नया बैरिंग भी ठोक दिए हैं ताकि पंखा अच्छा चले, क्योंकि इसका ये पहले वाला जो बैरिंग था, ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि जाम हो चुका है, नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए हमने इसका बैरिंग भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सारा बॉडी है, अब इसमें हम इसको फिट करेंगे, और ये वही है जिसमें हमने अलमुनियम और कॉपर दोनों से वेल्डिंग किए हैं। स्टार्टिंग में हमने कॉपर डाले हैं और रनिंग में हमने एल्युमिनियम डाले हैं। अब चलिए आप लोगों के सामने इसका प्रैक्टिकल भी हो जाए, सेट किया जाए, सेट करते हैं जो कैसे क्या है। इसका फंडा सारा सेट उठ करके करने जा रहे हैं। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा इस पर हमने कॉपर पे वार्निश भी मार दिए हैं, वार्निश भी डाल दिए हैं थोड़ा थोड़ा, और ये एल्युमिनियम पर भी थोड़ा थोड़ा दे दिए हैं। अब इसका पैनल लगा रहे हैं। देखते जाइए, पैनल फिट करने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर ये चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि अलमुनियम और कॉपर दोनों का कम्बिनेशन हमने किए हुए हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, इसको हमने कर लिया हूँ फिट, अब इसमें हमने सप्लाई देके देखते हैं कि आखिर ये अलमुनियम और कॉपर दोनों का वेंडिंग से चलता है या नहीं। चलिए अब मैं इनको ये थोड़ा सा वजन पंखा होता है, अब मैं इसको इस लॉक में लगाया। अब चलिए दोस्तों, इसको हमको सप्लाई डालना है। चलिए अब हम सप्लाई डाल के, चलिए दोस्तों अब हम इसको पहले सीरीज से चेक करते हैं। देख लीजिए इसमें लगा हुआ है, और हम इसको सीरीज में डालते हैं, फिर देखते हैं कि ये उल्टा चलता है या सीधा। ये देखिए, फ़िलहाल अभी ये उल्टा चला है और मेरा सीरीज भी जल रहा है, और सीरीज से कितना तगड़ा ये घूम रहा है। अब चलिए काटते हैं इसको, पहले अब सीधा चल, अब ये उल्टा चला है, इसको सीधा टर्मिनल चेंज करके पुनः देखते हैं क्या पोजीशन है इसका। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से बता देता हूँ कि मैं जो भी डाटा बनाता हूँ सटीक बनाता हूँ, इसमें कहीं फेक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, सीरीज पे आप देख सकते हैं, एक साथ मेरा बल्ब भी जल रहा है और पंखा का गति भी देख लीजिए। यहाँ तौर पे भी मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, प्रेशर डाल के भी देखता हूँ, तो पंखा देख लीजिए, काफ़ी प्रेशर डाला हुआ हूँ,
फिर भी पंखा का गति नहीं टूटता है। अब चलिए दोस्तों सीरीज हुआ ये, अब चलिए हम इसको मेन में डालते हैं। अब मेन में डाले हैं, देख लीजिए। और दोस्तों पंखा का बहुत ही गजब स्पीड है, ये हैवी वाले भारी वाले पंखा है, ये वजनदार होते हैं काफ़ी। ये तकरीबन 7-8 केजी का पंखा है वेट का। और देखिए दोस्तों इससे पता चलता है कि ये भी डाटा सही है, ये भी डाटा सक्सेसफुल है। आप दोनों कॉम्बिनेशन भी करके कभी भी डाल सकते हैं। देखिए पंखा में जैसे देते हैं, देखिए पंखा झटका मारता है, झटके के साथ चलता है, इसका मतलब इसका क्वांटिटी सही है और रनिंग भी सही है, पंखा ज़बरदस्त काम करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों इसी तरह से मैं नया नया टेक्निक से रूबरू कराते रहूँगा आपको। मैं इलेक्ट्रीशियन अमित अमन, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।